Little let us revise now quantum structure of atom. Structure of atom में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटे, what does N L M S, ठीक, N की वैल्यू जब कुछ भी वैल्यू हो तो L की क्या होगी, M की क्या होगी, S की क्या होगी, पर्टिकुलर N में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक। तो हमें पता है कि N हमारा प्रिंसिपल है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये हमारी शेल या ऑर्बिट ही बताता है जैसे कि बोहर ने बताया था, मगर हम ऑर्बिटल कंसेप्ट पे पहुंच चुके हैं जो एक 3D कंसेप्ट है, ऑर्बिट हमारा 2D कंसेप्ट था, ठीक। ऑर्बिट हमेशा सर्कल में था, इट कैन बी स्फेरिकल, डंबल एंड एंड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ ऑर्बिटल, वो हमें पता था कि इसी में ही घूम रहा है सर्कल में, इसी में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब हम क्वांटम ने हमें ये बताया कि शेल में सब शेल होती है, सब शेल हम कैसे निकालते हैं, एन में से वन माइनस करते हैं जब तक जीरो नहीं आ जाता, तब तक आपने वन माइनस करते रहना है, जैसे वन में से वन माइनस करे जीरो, ये 0, 1, 2 वैल्यू होंगी, ये 0, 1, 2 मीन्स अगर एक शेल है तो एक ही सब शेल होती है बेटे, अगर शेल नंबर 2 है तो देयर विल बी 2 सब शेल, the shell number will be 3, then there will be 3 subshell, and if the shell number is 4, you will be having 4 subshell, 1, 2, 3, ठीक है, इसका एक डिजिट कम होगा, जो भी अगर शेल 1 है तो subshell 0 है, ठीक, शेल का नंबर 2 है तो subshell जो होगी कभी भी 2 नहीं होगी इसमें, शेल 3 है तो subshell का नंबर 3 नहीं होगा, 0 हमेशा क्या बताता है बेटे, S, then SP, SPD, then SPDF, then SPDFG, ठीक है, जी तक हम कम पहुंचते हैं, चलो जी तक करके रखो, जी एच एंड सो ऑन, हमने कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल, आवर पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स, दैट इज SPDF, ठीक है, तो F, इसके बाद जो थोड़ा सा आपने करना हो तो G देख लेना, ठीक, तो N की वैल्यू 1 है तो ये है S, इसमें एक ही सबशेल है S, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 सबशेल है sp, इफ n वैल्यू इज 3 देन 3 सबशेल spd, इफ n वैल्यू इज 4 द वैल्यू विल बी spdf, देयर विल बी 4 सबशेल, ठीक। इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, m की वैल्यू क्या होगी, हाउ यू विल फाइंड आउट, बाय दिस थिंग, माइनस l 0 प्लस m, ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी एक ही है, दैट इज 0, इट इज हैविंग वन वैल्यू, क्योंकि वहां पे 1 नहीं है कुछ, अगर L की वैल्यू S, S में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, माइनस L 1, 0 प्लस 1, जो ओरिएंट होते हैं एक्स पी वाई एक्सिस पे, तो हम कहते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक। एस डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटे जी, 5, -2, -1, 0, +1, +2, अब आपने कर लिया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब शेल का नंबर 1 है तो उसमें एक ही सब शेल है, दैट इज 1s, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर शेल नंबर आपका 2 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, अगर शेल नंबर 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, दैट इज 18, क्योंकि 2 S के हो जाएंगे, 3 P के और 10 D के, क्योंकि एक ऑर्बिटल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर P की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो सकती है, -1, 0, +1, ठीक, ये वाली वैल्यूज पॉसिबल हैं, और स्पिन अगर एक क्लॉकवाइज घूमता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, व्हाइल फीलिंग आपने याद रखनी है एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ओके बेटे, रिमेम्बर इट, ये वाला, ठीक, शेल वो नंबर है उतनी ही सब शेल होंगी, अगर वन शेल हो तो सब शेल भी 1,
अगर टू नंबर है शेल का तो सब शेल भी टू एस पी, अगर थ्री नंबर है शेल का तो सब शेल भी थ्री एस पी थ्री डी, अगर फोर नंबर है शेल का तो सब शेल भी फोर एस पी डी एफ। गेटिंग माई पॉइंट? एस में टू इलेक्ट्रॉन, पी में सिक्स, डी में टेन, एफ में फोर्टीन। ओके, ऐसे याद रखो आप। और वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू, और स्पिन दो ही होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। यही यहाँ से कौन सा प्रिंसिपल आता है आपका, इफ यू रिमेम्बर टुमारो योर पेपर, दैट इज पॉलिंग्स यूनियन प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, फोर्थ नहीं हो सकता। फिर रिमेम्बर मैंने बोला था किसी पर्सन की डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्ट्रीट सब सेम हो सकती है, घर डिफरेंट होगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सेम हो सकता है, मगर एक अगर स्पिन क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। सेकेंड थिंग, जब ये पेयर्ड अप हो, अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो, पेयर्ड अप हो, ये होते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्योंकि ये अपनी स्पिन कैंसल आउट कर देते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड, फॉर एग्जांपल ये सारे पेयर्ड हैं, दीज आर ऑल पेयर्ड अप, एक भी अनपेयर्ड बच गया आपका, एक भी, तो ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आएगा। क्योंकि जब कोई चार्ज स्पीशीज रोटेट करती है तो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीशीज है, हमें पता है इसके ऊपर चार्ज है, तब ये रोटेट करेगी, तब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आएगी। ठीक है बेटे, मगर पेयरिंग होने के कारण एक ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैंसल हो जाती है, ऐसे वाले डायमैग्नेटिक बनेंगे। पूरे जब आप फिलिंग करोगे उसके बाद आपका अगर एक भी बचता है दैट इज पैरामैग्नेटिक। अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड बचते हैं उसके पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता जाएगा। सो गॉट द पॉइंट? अब तो Obviously, आप फिलिंग कर लेते हो इजली अप टू 20। नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम 21, दैट इज सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अगेन साडा टीवी वीसीआर मेरे फादर को नहीं चुकिया जाता। 21 से स्टार्ट करना है आपने, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो ये 1 से याद रखो, ये डी ब्लॉक शुरू हो गया आपका। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन पिनल्टीमेट शेल में जाते हैं, ठीक, जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं उसी पहली वाली। तो ये स्कैंडियम पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है आफ्टर कैल्शियम, मगर जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 3D में, ये होता है पिनल्टीमेट शेल। ठीक है, पिनल्टीमेट शेल जो ग्रुप पीरियड नंबर है उससे पहले में 3D, मगर आपको पता है 20 तक आपका एस फील्ड है, कैल्शियम तक आपका ये फील्ड होता है। ये कैसे फील्ड होते हैं? फिर रिमेम्बर बोहर बरीज रूल, बोहर बरीज रूल में हमने क्या देखा था? विजिबल 1s2 2p 2s2, फिल करते हैं हम, फिर 2p6 फिल करते हैं, ये नियॉन का कॉन्फिगरेशन है। ठीक, देन 3s2 3p6, यार्गन तक होगी, फिर 3d में नहीं भेजते, उससे पहले यहाँ पे हमारी 4s आ जाती है। फिर रिमेम्बर 3d में नहीं इलेक्ट्रॉन जाते बेटे जी, विल कम इन s, वाई एस, n plus l rule. What is the value of n here? 4. What is the value of s here? 0. That is 4. 3d mein 3. d kahan se aata hai? d ki value kya aati hai? 2. That is 5. Auger principle kehta hai ki electron lower energy se higher energy ki taraf fill hote hain. Aur energy kaun decide karega ki lower energy ka kya hai?
वो डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ बोहर बरीज रूल। ठीक, जब आपने किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है तो आप डी वाला इनसाइड दिखाओगे, एस वाला आउटसाइड दिखाओगे, रैदर कि डी वाला फिल बाद में होता है मगर आप लिखने वक्त आप हमेशा लिखोगे। फिर अगर मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 3 पॉजिटिव दिखाओ, तो हमें पता है 22 से टाइटेनियम 3D2 4S2 है, 3D2 बेटे 4S2 है, मगर जब इलेक्ट्रॉन निकालने, अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो S से निकालोगे, चाहे आपने D में फिल किया है बाद में S से, अगर मैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बोलूं तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D1। दिस कॉन्फ़िगरेशन आई एम राइटिंग इज द आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बेटे, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। लाइकवाइज इट इज 3D3 4S2, बट दिस इज एक्सेप्शन वी नो एंड दिस इज एक्सेप्शन वी नो, तो इट इज 3D3 4S2, इधर से 5 से निकाल देना 3D5 4S2, 6 से 3D6 4S2, 7 से 3D7 4S2, 8 से 3D8 4S2, then 33D10 4S2। अच्छा, इट ऑल्सो कम इन द 12th एग्जाम। और ये जिंक इज नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वैसे 12th एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत बारी, नॉट रिकॉर्डेड। व्हाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको माना जाता है बेटे, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको माना जाता है जिनकी इनकम्प्लीट शेल हो। कौन सी? डी, द डी सब शेल शुड बी इनकम्प्लीट। इट कैन बी इनकम्प्लीट इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर की और क्रोमियम एक्सेप्शन है तो कॉपर में हम क्या लिखते हैं, 3D10 4S1 हम लिखते हैं ना, 3D10 4S1। इसमें क्या लिखते हैं, 3D5 4S1। ये कौन सी धरती बेटे, हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज फुली फील्ड, दिस इज फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक, अब देखो ये डी कंप्लीटली फील्ड है, दिस डी इज कंप्लीटली फील्ड, बट फिर भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट माना गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको माना जाता है बेटे, दे हैव इनकम्प्लीट, नॉट हाफ फील्ड, इनकम्प्लीट मतलब 3D10 नहीं होना चाहिए, जिसका 3D10 नहीं है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इन दोनों का 3D10 है मगर हम जिंक को नहीं कंसीडर करते एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, हम कॉपर को जरूर कंसीडर कर लेते क्योंकि कॉपर, जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनता है तो ये 3D9 हो जाता है, दिस 3D9, मगर जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव जब बनेगा इट विल रिमेन एज 3D10। मीन्स डी सब शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट में या कोई भी एक्साइटेड स्टेट में, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये कम्प्लीटली नहीं है तो इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो जिंक इज नॉट। अब कॉपर और क्रोमियम की बात करें तो वी नो दैट दीज आर हैविंग हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, ये एक एक्सेप्शन है दोनों में, दीज आर बेटे एक्सेप्शंस। This is chromium and this is your copper. It is 3D5, 4S1. It is copper 3D10, 4S2. It is fully 4S1,
it is fully filled, it is half filled, and they are extra stable. They have exceptional configuration. Extra stability 2 points के कारण आती है बेटे. एक symmetry आ जाती है. One is symmetry, one is exchange of energy. ठीक. अगर पूरे half filled हो, they are symmetrically arranged. मैंने आपको example दी कि अगर आप 5 स्टूडेंट्स बैठे हो, मैं सर सबके सिर के ऊपर एक एक ईट रख दूं, यू ऑल विल बी हैप्पी. मगर एक के ऊपर दो रख दूं और एक के ऊपर कुछ भी ना रखूं, यू से मी मैम आप पार्शियल हो रहे हो कि एक को तो ज्यादा लोड दे दिया पर एक को बहुत कम. अगर लोड इक्वल हो जाए इट विल बी सिमेट्री. ठीक है, सेम एनर्जी के ऑर्बिट बन जाएंगे. इट इज डीजनरेट ऑर्बिट. वैसे भी डीजनरेट होते हैं सेम एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन मूव मोमेंटम सेम, सब कुछ सेम. That is a symmetry. अगर symmetry same है तो energy same है. अगर energy same है they can exchange their position. They can exchange their position. तो जब एक के सिर से दूसरे के सिर पे जब brick जा रही होती है उतनी देर तक उसका भार कम होगा. जब भार कम होगा तो energy lower हो जाएगी. जब exchange of energy होती है बेटे, there will be this leads to stability. Getting my point? So you know the filling in the quantum. ठीक है, Heisenberg ने क्या किया, क्या कहा था, I'll repeat that also. Heisenberg ने कहा था कि आप certain thesis से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम साइमेंटेनियसली नहीं निकाल सकते. और डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों है. उसने आइंस्टाइन की थ्योरी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट इज इक्वल टू एच म्यू दोनों को कोरिलेट किया. तो हमने उसने इलेक्ट्रॉन में एक मास भी दिखाया और एक वेव करैक्टर भी दिखाया, मोमेंटम भी दिखाया और वेव करैक्टर भी दिखाया. गेटिंग माई लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी उसने दिखा दिया हमें. तो ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए. ठीक, टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल, यू हैव स्टडीड फोर प्रॉपर्टीज. सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं बेटे एस पी डी एफ. तो एस पी डी एफ की आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक एन एस वन टू. ठीक बेटे, एन पी वन टू सिक्स फॉर पी ब्लॉक. डी ब्लॉक के लिए हमें पता है पेनल्टीमेट शेल में जाता है, दैट इज एन माइनस वन. एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच इज इन द सिलेबस. ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नॉट इन योर सिलेबस, वो एक्सप्लेन किया गया था आपको प्रिज्म में, अमीशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. जस्ट टू रिव्यू रिकॉल, एब्जॉर्प्शन में हमने जिस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा देखना है इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज ओनली गिवन इन द रेफरेंसेस बुक और टू एक्सप्लेन यू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की हाउ लाइमन बाबर पी फन एंड ब्रैकेट ऑल द सीरीज केम. ठीक है, दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू. आप जैसे हाइड्रोजन का ही मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि डिस्टार ट्यूब ली थी, तो डिस्टार ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे रखा था. देयर इज अ हाई वोल्टेज लो प्रेशर ऑफ द गैस, जब किया इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर गए तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आए, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हमारे पास आई. ठीक है बेटे, तो रेडबर्ग फॉर्मूला से यू शुड नो द न्यूमेरिकल. नाउ वी आर लेफ्ट विद आई थिंक, सो आई एम स्टार्टिंग विद द पीरियोडिक टेबल, इट इज ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट. पीरियोडिक टेबल में बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रखनी है. एस में मेटल्स हैं टिपिकली, पी में मेटल मेटलॉइड्स नॉन मेटल सब कुछ है, डी में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक में भी हार्ड मेटल्स आ जाते हैं. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं मेटल हार्डनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं. ठीक है बेटे, तो इनकी फिलिंग डी के मैं बोल रही थी एन माइनस वन एंटी पेनल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट एक पीछे वाली. और अगर एफ है इट इज एंटी पेनल्टीमेट,
एंटी पिनल्टीमेट, ठीक है, दिस इज एंटी, एंटी मीन्स उससे भी पहले वाली, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, वी हैव फोर प्रॉपर्टीज बेटे, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज शेयर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी, एंड दीज प्रॉपर्टी आर स्टडीड फॉर द आइसोलेटेड एटम। ठीक है बेटे, एटॉमिक रेडियाई वी हैव सीन, अलोंग द पेयर इट विल डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज, एंड रेस्ट थ्री प्रॉपर्टीज अलोंग द पेयर दे विल इंक्रीज and down the group they will decrease. That's three property along the pair bete they will increase and down the group they will decrease. If you remember atomic radii along the pair decrease karega, kyun karega, nuclear charge badhega, number of shell same rahegi, magar jahan pe exception hai wo hum baat kar le. Noble gas bete, noble gas, ठीक है, अलोंग द पीयर हम जनरली क्या करते हैं, जैसे सेकंड पीयर में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टू शेल में जाते हैं, 2s 2p में जाते हैं, मगर हमें पता है शेल नंबर सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, हम कहते हैं इसलिए जो अलोंग द पीयर आते आते साइज डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन बात करते हैं हम नोबल गैसेस की केमिस्ट्री में, जहां पे एक्सेप्शन वहां पे आपके लिए क्वेश्चन, ठीक। नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होना चाहिए मगर इसका बड़ा है, क्योंकि नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस, इफ यू रिमेम्बर इट इज वंडरवॉल रेडियस, नॉट अ सिंपल कोवलेंट और मेटालिक रेडियस, इट इज वंडरवॉल रेडियस, ठीक है, वो दूर दूर पड़े हैं, वो दूर दूर पड़े हैं, दिस इज वंडरवॉल रेडियस, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि ये आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में पड़े होते हैं तो इनका ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू 17th ग्रुप एलिमेंट जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन है, ठीक। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें बेटे, अलोंग द पेयर, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी एटम में से, अब मेरे से मैं एक एटम हूं, मेरा खाना इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचना है ना तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर आपने मेरे से इलेक्ट्रॉन लेना है तो यू हैव टू इनपुट द एनर्जी। अब कितनी एनर्जी आप इनपुट करोगे वो डिपेंड है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं और कितना वो छोटा साइज है। अब अलोंग द पीरियड आते आते आपको पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज बेटी जी इंक्रीज करता है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे तो क्या होगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजंट इट। तो अलोंग द पीयर आयोनाइजेशन एन्थैल्पी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप वी नो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो आयोनाइजेशन जो एन्थैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक। तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड रिमेम्बर ये आइसोलेटेड एटम की बात है, जब तक आप एटम्स को पहले मॉलिक्यूल को तोड़ोगे अलग अलग करोगे, जब ये स्टडी करी जाती है इनको आइसोलेटेड फॉर्म में लिया जाता है और एज अ गैसियस एटम, फॉर द पॉइंट। अब केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के बिना नहीं हो सकती बड़ी इजली, आई हैव टोल्ड यू दैट अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एन्थैल्पी इंक्रीजेस, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। Wherever there is
symmetrical, that is half filled or fully filled electronic configuration. For example, nitrogen, we know that it is 2s2 2p3, isn't it bete? Oxygen is 2s2 2p4. देखो कभी भी आपको किसी का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई भी एक्सेप्शन पे आएगा, तो जनरल आपको चीज याद रहनी चाहिए कि जनरली तो ये होता है भी अलोंग द पीरियड एक ही चीज डिक्रीज करती है जो एटॉमिक रेडियस है, और डाउन द ग्रुप एक ही चीज इंक्रीज करती है जो कि एटॉमिक रेडियस है। बाकी जो हमने प्रॉपर्टी करी है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, मगर हमें क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्शन होगी पक्का से, ठीक बेटे? तो यू शुड नो द एक्सेप्शन। जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है एक पीरियड में, मगर नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज अ हाफ फिल्ड एंड ऑक्सीजन इज नॉट अ हाफ फिल्ड, मगर जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो अब ऑक्सीजन हाफ फिल्ड बन जाती है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सेम इज द केस ऑफ बेरिलियम बोरॉन, सेम इज द केस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, ठीक बेटे? तो इस तरह के यू नो वेयर इज द एक्सेप्शन। वैसे मैं बात करूं बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मेरा खाना इलेक्ट्रॉन अगर आप मेरे से खींचोगे तो यू नीड एनर्जी, तो अगर आप यू विल गिव मी द फूड द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक? तो एटम का खाना क्या इलेक्ट्रॉन, अगर एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक? बट नॉट ऑलवेज द केस, अगेन देयर विल बी एक्सेप्शन बेटे जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be, no doubt will be increasing along the period and decreasing down the group, but there are certain exceptions like oxygen and sulfur, like fluorine and chlorine, like there are noble gas, so these are exceptions bete। अलोंग द पीरियड आते आते हम कहते हैं ये इंक्रीज करनी चाहिए तो ये डिक्रीज, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए सल्फर से, वैसे ही फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए बेटे क्लोरीन से, मगर होता क्या है ऑक्सीजन से सल्फर की ज्यादा है ये नहीं है, फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन, और ये हमेशा आपने बात याद रखनी है बिकॉज इट इज विल बी कॉन्टिन्यूड टिल क्लास 12, ठीक है बेटे? तो ऑक्सीजन की कम क्यों हो जाती है, क्योंकि जब अलोंग द पीरियड आते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज वो छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं 2p में, ठीक है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड हेंस साइज विल बी डिक्रीज्ड। व्हेन साइज विल बी डिक्रीज इनिशियली यू आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंड इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज। लेना तो है उसने इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अपनी कंप्लीट करनी है, मगर इनिशियली अगर क्लास में फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आपको प्रिंसिपल मैम ने ऑर्डर दे दिया कि आप स्टेबल तभी होगे जब आपकी क्लास फुल होगी, आपके सारे बेंचेस कंप्लीट होने चाहिए, तो अभी एक बेंच पे एक वन चाइल्ड इज सिटिंग, वन सीट इज वेकेंट इनिशियली, तो वो कहेगा क्यों आ गया क्लास आगे भरी हुई है, बट इट इज अ कंडीशन टू बी स्टेबल, द क्लास इज नोन एज स्टेबल, ही क्लास इज अनरिएक्टिव, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी ना देने की ना लेने की जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है? इन द सेम वे फ्लोरीन इज एक्सेप्शन, ऑक्सीजन एक्सेप्शन एंड सो एज नोबल गैस बेटे, क्योंकि जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो बेटे दैट इज द फूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, where you give the electron energy no doubt releases, but अगर पेट भरा हो और आप जबरदस्ती खाना खिलाओगे तो वो vomit करेगा, same in the case of noble gas, वो पहले ही fully filled है, they are not at all interested in having any kind of electron from you, ठीक है? noble gas are already
It may be helium, neon, argon, krypton, xenon, any noble gas you are having. They are fully filled. Xenon ke compounds dekhenge in class 12th, and we will see that it has ionization enthalpy equal to oxygen. That we'll see. But for now, you should know they have fully filled electronic configuration. They don't need any kind of electron you are giving to them. See? They don't need any kind of electron you are giving them. Le lo ji, hamare paas free electron hai. So they will vomit out. So delta H will not be released. It will not be negative, rather than it will be positive. What is delta H will doing in the thermodynamic? Abhi yehi samjho ki delta H negative ka matlab hota hai energy release hona. Delta H positive ka मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. आप खुद की एनर्जी लगा रहे हो क्योंकि आपकी रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक. आप खुद एनर्जी लगा रहे हो. किसको एनर्जी लगा रहे हो? नोबल गैसेस को. जब नोबल गैसेस एनर्जी रिलीज करेगी तो हम कहते हैं जी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है. तो डेल्टा एच नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी बाहर आती है. ठीक. So this is all about electron gain enthalpy, electronegativity. Remember, the bell has gone out. I am going to start my other lecture. Electronegativity. Remember, beta is tendency to attract shared pair of electron. And in group number 15, 16, 17, group number 15, nitrogen, oxygen, fluorine, the first member of these three groups are highly electronegative, and thus they will be forming hydrogen bond. My next students are entering. So all the best. Be prepared for tomorrow exam. Okay. So meet.